नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है और ये सेकंड पार्ट है स्टैटिक जीके का। इस सीरीज में हम कवर करेंगे 17 क्वेश्चन, डेली 17 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे हम। ये हर उस एग्जाम को कवर करेगा जो भी इंडिया में होते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, BFC का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम का, बैंक, SSC, कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय देश पर स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ADB बैंक, जो ADB बैंक है, वो बना कब था? 19 दिसंबर 1966 में बना था, 19 दिसंबर 1967 में बना था और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुकु आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसका करेक्ट आंसर है ए, लखनऊ। लखनऊ UP में प्रेजेंट है ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। वर्ल्ड के तीन क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड का कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम बोलते थे पहले, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है। अहमदाबाद गुजरात में है और लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड में। फिर सेकेंड नंबर में आता है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड में। तीसरा स्टेडियम जो है ईडन गार्डन, ये कोलकाता इंडिया में है। जो ईडन गार्डन है वो इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ये बना था 1864 में और इसको मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बोलते हैं। इस स्टेडियम को हम मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बोलते हैं। 1864 में बना था, वो थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको हम AAA बोलते हैं, किस शहर में स्थित है? द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में एशियन एथलेटिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। जो हमारा एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है वो बना कब था? 1973 में बना था, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI बोलते हैं हम, का मुख्यालय किस देश में है या किस शहर में स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज बेस्ड इन विच सिटी? FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। जो हमारा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बना था 5 सितंबर 2008 में और ये इस एक्ट के तहत आया था, तो एक्ट था 2006। तो जो FSAI है वो एक्ट पूछेगा तो आप 2006 लगाएंगे और फॉर्मेशन डेट पूछेगा तो 2008 है इसकी। जो चेयरमैन है वो है श्री राजेश भूषण जी, के CEO है रंजी कमला राव। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है, जो हमारा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और ये जो मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनकपुरी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? वनकपुरी थर्मल पावर स्टेशन इज इन विच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में है वनकपुरी थर्मल पावर स्टेशन। गुजरात के कुछ इंपोर्टेंट स्टेडियम देखते हैं हम। तो राष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको हम खंदेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं और ये फर्स्ट सोलर पावर स्टेडियम है गुजरात का। मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? राजकोट गुजरात में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माधवराव सिंधिया जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। जो सिंधिया डायनेस्टी है वो ग्वालियर की है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में गुजरात और MP आ गया तो अधिकतर बच्चे MP टिक लगा के आएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा तो वो है राजकोट गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट है वो है उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? हमारी तीन कैटेगरी है, महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी है। ये हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कंपनी है उसको हमने तीन पार्टों में डिवाइड करा है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो कौन सी कैटेगरी में आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो मिनी रत्न कैटेगरी में आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बनी कब थी? 1995 में बनी थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक्ट पूछेगा आपसे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एक्ट 1994 के तहत ये बनी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन काम करती है। जो सिविल एविएशन है उसके मिनिस्टर है वो कौन है अभी?
तो ज्योति आदित्य राज सिंधिया जो हैं वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। चेयरमैन कौन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय योग दिवस हर साल देश को बनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे, टीबी कब बनाते हैं हम? 24 मार्च को बनाते हैं हर साल। 2023 में इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, इंपॉर्टेंट थीम है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं हम। 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्टी डे। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डे बनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे है। जॉर्डन स्पीथ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? जो जॉर्डन स्पीथ है वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ या हॉकी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गोल्फ। गोल्फ के खिलाड़ी हैं जॉर्डन स्पीथ। ये अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। मैं आपको 5 इंडियन गोल्फर या गोल्फ के खिलाड़ी के नाम बताता हूँ जो इंडियन है। अनिर्बान लहरी, ये गोल्फ प्लेयर है और इंडिया के। गोल्फ प्लेयर के नाम वैसे आपको याद नहीं होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में आ जाते हैं इनके नाम और मेज द फ्लोइंग में, तो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत फेमस गोल्फ प्लेयर है इंडिया के। सेकेंड है ज्योति रंधावा। थर्ड में आती है अदिति अशोक, सुपर इम्पोर्टेंट है। अदिति अशोक का नाम तो बहुत बार आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है जीव मिल्खा सिंह, या मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह है उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है शर्मिला निकोलेट। ये कुछ इम्पोर्टेंट गोल्फर हैं इंडिया के, इनके नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द G20 ग्रुप हैव हाउ मेनी मेंबर एज इट्स लीडर? G20 समूह के नेताओं के रूप में कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 सदस्य हैं G20 ग्रुप में, जिसमें 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो दोनों को मिला के 20 हो गई। फॉर्मेशन डेट क्या है G20 की? 26 सितंबर 1999 बना था G20। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है इसके? नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम है इंडिया के, वो चेयरमैन है अभी G20 के। 17 एडिशन कहाँ हुआ था G20 का? इंडोनेशिया में हुआ था। जो 17 एडिशन था उसकी जो प्रेसिडेंसी था G20 की, इंडोनेशिया संभालना था 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक। तो 18 एडिशन हुआ था, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास थी। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। ये डेट याद रखनी है आपको, इसलिए जो चेयरमैन है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं अभी 30 नवंबर 2023 तक रहेंगे नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन। इसकी थीम की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है G20 समिट की और इंडिया में हुआ इस बार, तो जरूर याद रखिएगा। 18 एडिशन हुए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर नायर स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज द चंद्रशेखर नायर स्टेडियम इज बेस्ड या लोकेटेड? ये स्टेडियम कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहली नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कोहली डांस इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के कुछ डांस देखते हैं, फोक डांस देखते हैं महाराष्ट्र के। भांगरी गाजा महाराष्ट्र का डांस है, गोवा दास डांस, कोहली डांस, लावनी डांस, दिंदी डांस और पावरी डांस, ये जितने भी डांस हैं सब महाराष्ट्र के फोक डांस हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके सीईओ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेग बार्कले सीईओ हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है वो जो बीसीसीआई है, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोलते हैं, ये जो है बीसीसीआई है, जो वो इंडिया नेशनल गवर्निंग बॉडी है, हमारी नेशनल गवर्निंग बॉडी है इसकी, क्रिकेट ऑफ इंडिया की। इंटरनेशनल की बात करेगा तो आईसीसी है, और जो इंडिया की टीम को कौन संभालता है? बीसीसीआई। अब बीसीसीआई कब बना था? दिसंबर 1928 में फाउंडेशन डेट है बीसीसीआई की। जो बीसीसीआई के सीईओ कौन है अभी? हेमांग अमीन जो है वो बीसीसीआई के सीईओ है। वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा बीसीसीआई के, तो अभी हमें राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है। हमने जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई के बारे में जान लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके बारे में। जो आईसीसीआई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 से लेकर 1965 तक 1965 से लेकर 1989 में इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1990 से
इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लग दिया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेशन डेट पूछेगा तो 15 जून 1909 में बना था ये। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, के सीईओ है जेफ एलाडिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान। तो दोनों जो हमारे इंटरनेशनल बॉडी और इंडिया की बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, दोनों याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो BCCI है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, तो दोनों बॉडी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्यागांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नव्यागांव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नव्यागांव जो नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में है। जितने भी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, उन सबके नाम देखते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, चंदौली नेशनल पार्क, तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी है तड़ोबा अंधेरी, और ये टाइगर रिजर्व भी है महाराष्ट्र में। दुगामल नेशनल पार्क, नव्यागांव नेशनल पार्क और पेंच। देखिए जो पेंच नेशनल पार्क है ना, वो दो स्टेट में पड़ता है। पेंच नेशनल पार्क दो स्टेट में पड़ता है, ये MP हो गया और नीचे उसके महाराष्ट्र हो गया। तो पेंच नेशनल पार्क है ना, इन दो स्टेट में पड़ता है। महाराष्ट्र में जो पेंच नेशनल पार्क है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क ये पूरा नाम है पेंच नेशनल पार्क का। जो MP में नेशनल पार्क है पेंच, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क पूछेगा तो महाराष्ट्र ऑप्शन लगाएंगे आप, और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी या पेंच नेशनल पार्क पूछेगा तो MP टिक लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका सागर बांध कहाँ स्थित है? वेयर इज द रेणुका सागर डैम लोकेटेड? तो रेणुका सागर डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट डैम देखते हैं कर्नाटका के, अलमत्ती डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है, कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी रिवर के ऊपर है, काली नदी नागझारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये काली नदी के ऊपर है, जो काली नदी रिवर है उसके ऊपर। सारावत्ती हाइड्रो पावर स्टेशन सारावत्ती रिवर के ऊपर है। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट ये कावेरी रिवर के ऊपर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अलमत्ती जो डैम देखा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भादरा डैम भादरा रिवर के ऊपर है, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। तो आपको जो अलमत्ती डैम है वो याद रखना है, तुंगभद्रा डैम याद रखना है, करवत्ती हाइड्रो पावर प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य बिहार में मौजूद नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार? चिंतामणी कार बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी। तो इसमें से कौन सी सेंचुरी बिहार में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिंतामणी कार बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो चिंतामणी कार बर्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। बिहार की जो बर्ड सेंचुरी है वो देखते हैं, सरैया मेन बर्ड सेंचुरी बिहार में है, कुशलेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, बरेली झील सलीम बर्ड सेंचुरी ये भी बिहार में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है आपको पता है? अगर आता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है तो वो है गोवा में। एक क्वेश्चन आता है सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। बरेली झील सलीम अली पूछेगा बिहार लगाएंगे, सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछेगा गोवा लगाएंगे, सलीम अली नेशनल पार्क पूछेगा जम्मू कश्मीर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स हेडक्वार्टर एट डेस प्लेस। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी कब थी? 1967 में। इसके हेड और चेयरमैन कौन है? डेरिन टैंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अधीन काम करती है WIPO, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन काम करती है WIPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी बेनिफिटेड बाई डिफ्लेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है सैलरी अर्नर। जो डिफ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन के अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है ना कंट्री का जनरली राइज होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट सेकेंड था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।